वेलकम टू फिल्म पॉइंट दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आपका भाई लेकर आ गया एक नई वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अक्टूबर के महीने में रिलीज़ होने वाली फिल्मों और वेब सीरीज़ों की, जो आपको OTT और थिएटर में देखने को मिलने वाली है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, बट कॉन्टेंट आपको ओरिजिनल मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना पूरी जानकारी के लिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना किए टाइम खराब और बात करते हैं पहले रिलीज़ की, जो है लूपिन का सीज़न 3, जो कि एक क्राइम मिस्ट्री ड्रामा सीरीज़ है। और ये सीरीज़ 5 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। अगला रिलीज़ है खुफिया, जो कि एक हिंदी फिल्म है, जिसकी लीड में आपको देखने को मिल जाएंगी तब्बू, विशाल भारद्वाज। और ये एक थ्रिलर टाइप फिल्म है और ये फिल्म 5 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। अगला रिलीज़ है दोनों, जो कि एक हिंदी फिल्म है और ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। फिल्म की लीड में देखने को मिल जाएंगे राजवीर देओल और ये फिल्म 5 अक्टूबर को थिएटर में देखने को मिल जाएगी। अगला रिलीज है टोटली किलर, जो कि एक अमेजॉन ओरिजिनल फिल्म है और ये एक मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर फिल्म होने वाली है। और ये फिल्म 6 अक्टूबर को अमेजॉन प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। अगला रिलीज है लॉकी का सीजन 2, जो कि एक डिज्नी प्लस हॉटस्टार सीरीज है, जिसका सीजन 2 6 अक्टूबर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगा हिंदी लैंग्वेज में। अगला रिलीज है द एग्जॉर्जिस्ट बिलीवर, जो कि एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है और ये फिल्म 6 अक्टूबर से हिंदी लैंग्वेज में थिएटर में देखने को मिल जाएगी। अगला रिलीज है मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू, जो कि एक बायोपिक ड्रामा फिल्म होने वाली है। फिल्म में देखने को मिल जाएंगे अक्षय कुमार, परिणीति चोपड़ा, रवि किशन और फिल्म में दिखाया जाएगा जसवंत सिंह गिल की बायोपिक को, जो कि एक माइनिंग इंजीनियर थी और उन्होंने कैसे 220 लोगों का रेस्क्यू करके उनकी जान को बचाया था, यही सब दिखाया जाएगा इस फिल्म में। और ये फिल्म 6 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज की जाएगी। अगला रिलीज है थैंक यू फॉर कमिंग, जो कि एक मल्टी स्टारर कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने वाली है। फिल्म में देखने को मिल जाएंगी भूमि पेंडेंडुकर, शहनाज गिल, डॉली सिंह, अनिल कपूर और करण कुंद्रा। और ये फिल्म भी 6 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज की जाएगी। अगली फिल्म है डंप मनी, जो कि एक बायोग्राफिकल कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है और ये फिल्म भी 6 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी थिएटर में। अगली फिल्म है बॉम्बे, जो कि एक हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है और ये फिल्म भी 6 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज की जाएगी। अगली फिल्म है 800, जो कि एक तमिल लैंग्वेज बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म होने वाली है और फिल्म में देखने को मिल जाएंगे विजय सेतुपति और ये फिल्म भी 6 अक्टूबर को हिंदी, तमिल, तेलुगु लैंग्वेज में थिएटर में रिलीज की जाएगी। अगली फिल्म है मिशन इम्पॉसिबल 7 दोस्तों, इस फिल्म को 10 अक्टूबर से Amazon Prime Video के प्लेटफॉर्म पर रेंटल बेसिस पर रिलीज कर दिया जाएगा, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। ये 99% कंफर्म हो गया है। जी हाँ, इस फिल्म को 10 अक्टूबर को आप Amazon Prime Video पर रेंट देकर देख सकते हैं। अगला रिलीज है पा पेट्रोल द माइट मूवी, जो कि एक एडवेंचर एनिमेटेड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और ये फिल्म 13 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज की जाएगी। अगली फिल्म है वाइट पंजाब, जो कि पंजाबी लैंग्वेज फिल्म होने वाली है और ये फिल्म भी 13 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज की जाएगी। अगला रिलीज है लियो फिल्म का, जो कि एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। फिल्म में देखने को मिल जाएंगे विजय, संजय दत्त, प्रिया आनंद, त्रिशा कृष्णन और ये फिल्म 19 अक्टूबर को हिंदी, तमिल, तेलुगु लैंग्वेज में थिएटर में देखने को मिल जाएगी। अगला रिलीज है भगवत केसरी, जो कि एक एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है और ये एक तेलुगु लैंग्वेज फिल्म है। फिल्म में लीड रोल में देखने को मिल जाएंगे नंदामुरी, बाला कृष्णा, काजल अग्रवाल, श्री लीला, अर्जुन रामपाल और ये फिल्म 19 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। अगला रिलीज है भागा जतिन, जो कि एक बंगाली लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। फिल्म को 19 अक्टूबर को सिर्फ बंगाली लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा। अगला रिलीज है टाइगर नागेश्वर राव, जो कि एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म होने वाली है और फिल्म में देखने को मिल जाएंगे रवि किशन, अनुपम खेर, नूपुर सेनन और ये फिल्म 20 अक्टूबर को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज की जाएगी। अगली फिल्म है गणपत पार्ट 1, जो कि हिंदी लैंग्वेज एक्शन साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। फिल्म में लीड रोल में देखने को मिल जाएंगे टाइगर श्रॉफ, अमिताभ बच्चन, कीर्ति सेनन और ये फिल्म 20 अक्टूबर को थिएटर में देखने को मिल जाएगी। अगली फिल्म है यारियां 2, जो कि एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने वाली है और ये फिल्म भी 20 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज की जाएगी। अगली फिल्म है तेजस, जो कि एक साइंस फिक्शन
एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगी कंगना रनावत और ये फिल्म 20 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज की जाएगी। अगली फिल्म है 12th फेल जो कि एक बायोपिक ड्रामा फिल्म है। फिल्म में लीड रोल में देखने को मिल जाएंगे विक्रांत मैसी और ये फिल्म 27 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज की जाएगी। अगली फिल्म है जिंदगी जिंदाबाद जो कि एक पंजाबी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में देखने को मिल जाएंगे निंजा मैंडी ठक्कर और ये फिल्म 27 अक्टूबर को वर्ल्ड वाइड थिएटर में रिलीज की जाएगी। तो दोस्तों आपको इन फिल्मों और वेब सीरीजों में से किन किन फिल्मों और वेब सीरीजों का सबसे ज़्यादा इंतजार है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।